नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुंडेश्वर महादेव का नाम किस जगह और कहां पर आप जप करें जिससे आपको पूरा फल मिल सके। ओम नमः शिवाय। भक्तों, 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर के आप किसी भी मंदिर में चले जाइएगा या फिर आप घर पर ही शिवलिंग स्थापित करें और ये उपाय आप करके देखिएगा। ये सरल उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं जिससे आपकी सारी बाधाएं, सारी परेशानी, कोई बीमारी है जिससे वो जा नहीं रही है, असाध्य रोग है या आपका रुपया पैसा अटका हुआ है, बिजनेस नहीं चल रहा है, आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, उसके लिए आप ये सरल उपाय यदि करके देखिएगा जिससे आपको बड़ा फायदा मिले। आपने करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है और 5 बेलपत्र लेने हैं और 5 सफ़ेद फूल लेने हैं। वो सफ़ेद फूल किसी के भी आप ले सकते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि करके शुद्ध साफ कपड़े पहने, उसके बाद आपने वो जल और बेलपत्र और पुष्प आपने शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। उसी के साथ आप कुंडेश्वर महादेव का नाम जपते हुए इस तरह से कुंडेश्वर महादेवाय नमः, कुंडेश्वर महादेवाय नमः, कुंडेश्वर महादेव नमः, इस तरह आपने इसे 108 बार जप करना है और 5 बेलपत्र और 5 पुष्प आपने शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और 1 लोटा जल। ऐसा आप तब तक करते रहेंगे जब तक आपकी मनोकामनाएं पूर्ण ना हो जाए। उसके बाद आपको शीघ्र ही फल मिलेगा और आपको सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो आपके रुके हुए कार्य है वो पूर्ण होंगे, सभी बाधाएं आपकी दूर होगी। यदि घर में कोई बीमार रहता है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसा करके देखिएगा ये सरल उपाय, इससे आपको लाभ मिलेगा, उसकी बीमारी दूर होगी। कुंडेश्वर महादेव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।